गुड इवनिंग दोस्तों। आज 12 तारीख है और ये मेरा जो अभी मैं सेटअप आपको दिखाने जा रहा हूँ 13 तारीख का रहेगा। तो मेरा कल का प्लान ये है कि हमने जैसे कि एक जोन बनाया था कल, ये हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है, तो वहाँ पे इस जोन में अभी तक SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 18,700 का रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक कर देता है तो इसका ये डाउन मूव आ सकता है, तो हम लोग फिर शॉर्ट के पोजीशंस में कल सुबह देख सकते हैं। और जैसे हम डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स अभी ओके गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे उसने गैप फिल किया, अब ये अप मूव में जा रहा है। अगर ये डे हाई को तोड़ देता है तो इसकी क्लोजिंग जो होगी वो ग्रीन में होगी। उसके बाद अगर हम लोग नास्डक को देखें तो नास्डक भी अभी एक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें 100 पॉइंट अपसाइड है, तो ये मतलब इसका भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोग देख सकते हैं। तो कल के मार्केट में ग्लोबल सीनेरियो शायद बुलिश रह सकता है। अब जैसे हम लोग निफ्टी देखते हैं 18,614, मतलब जो SGX निफ्टी है अभी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट 70 80 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम 4 आवर्स में जाके देखते हैं। डेली में देखेंगे तो डेली में एक इंडिसीजन कैंडल दिया है, अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो बेरिश मूव दे सकता है। ऑलमोस्ट कल का ही हमें यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा है, कल का डेली हाई और डेली लो, आज इसने इनडिसीजन दिया हुआ है। अब इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 1 आवर में, तो यहाँ पे आज के दिन इसने पूरा कंसोलिडेशन इस जोन में कंसोलिडेशन किया है। ओके, तो निफ्टी में अगर देखने जाए तो एक यही लेवल निकल के आता है और दूसरा, हम इस लेवल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो दूसरा ये लेवल निकल के आता है। अगर निफ्टी में हमें शॉर्ट जाना है तो ये वाला एक ट्रेड लाइन भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हमें निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर रहे हैं। और अगर गैप अप ओपनिंग देखे, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट फॉर्मेशन होता है तो मैं कल के ट्रेड में लॉन्ग यहाँ से इस लेवल से जाऊँगा। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होता है और वो ऊपर की साइड ब्रेकअप करता है, इस जोन को ब्रेक करता है, तो यहाँ से मैं लॉन्ग जाऊँगा। ये निफ्टी एक ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसकी बेयरिश जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है या किसी तरह यहाँ पे कोई बेरिशनेस आती है तो इसके नीचे भी हम लोग शॉर्ट करेंगे। फाइनल टारगेट यहाँ तक रह सकता है। तो निफ्टी में हमारा यही सेटअप रहेगा और ये लेवल्स रहेंगे कल के दिन के। और जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो डेली में इसने आज भी बेरिशनेस दिया हुआ है, बट फिर भी ये 3 दिन से ये जोन में, इस वाले जोन में फंसा हुआ है। अगर यहाँ से ये नीचे की ओर मूव करता है तो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन है, अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो हमें पहला टारगेट तो ये मिलेगा और दूसरा टारगेट ये मिलेगा और भी, और इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर हमें लॉन्ग जाना है तो हमें कम से कम इस जोन का वेट करना पड़ेगा कम से कम। तो इस जोन के ऊपर यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिशनेस दिखाई देती है तो इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट का पोजीशन मिलता है तो इस लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, पहला और दूसरा टारगेट कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद
हमारा लास्ट टारगेट बेरिस के लिए ये वाला रहेगा, ये जो जोन बना रहा है यहाँ तक के। और अगर मान लो कि डाउन ओपनिंग करके इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स रहेगा। एक बार अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 44,000 पे हमें फुल बेरिशनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो 57.9 लाख हुआ है, और जो पुट की साइज डेवलप हुआ है वो 48.2 हुआ है। ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी हमें बेरिशनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है इस लेवल पे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कॉल साइड आउट द मनी चेक करते हैं, तो आउट द मनी में कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ है और पुट साइड कम डेवलप हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेरिशनेस देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए 44,000 रहेगा, 44,000 मतलब कि ये वाला लेवल रहेगा। इसके ऊपर जाएगा तो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इस जोन के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि निफ्टी में हमने जो लेवल्स बनाए हैं, निफ्टी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कॉल साइड 142.1 लाख 18,700 पे। 18,700 मतलब ये वाला हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर। इतना तो उसको जाने में अभी थोड़ा टाइम है। तो इससे नीचे हम लोग अगर सपोर्ट में अगर देखने जाएं तो 18,600 का हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जोन पे, इस जोन के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। सबसे बेस्ट एंट्री हमारा ये वाला रहेगा। हालांकि यहाँ पे भी पेरिशनेस तो दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन में भी अगर हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो कॉल साइड ओआई ज़्यादा डेवलप हुआ है और पुट साइड ओआई कम डेवलप हुआ है। तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में नहीं है, अभी भी मार्केट तो नेगेटिव में ही है। पीसीआर देखेंगे तो इसमें 0.73 का है। तो हम लोग कल का ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह से। यहाँ से बेरिश जाएगा तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर बुलिश जाता है तो इसके नीचे हमें ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। दैट्स इट, यही था हमारा आज का सेटअप। गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।